अजय की फीस क्यों है, अजय की इतनी फीस क्यों, चला गेस्ट अपीयरेंसेस का दौर। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पॉलीग्राड स्टूडियोज में। अजय देवगन का जन्म 2 अप्रैल को वीर देवगन के घर हुआ था। इनके फिल्मी करियर की बात करें तो उन्होंने फूल और कांटे फिल्म से अपनी शुरुआत की और एक्टिंग आइकन बन गए, जिसमें इनके पिता का काफी बड़ा हाथ था। इनकी पहली फिल्म में उनकी एक्टिंग के लिए अजय देवगन को फिल्म फेयर का बेस्ट मेल डेब्यू का अवार्ड भी मिला था। उनकी अगली फिल्म जिगर थी जो 1992 में आई थी, जो बॉलीवुड की मार्शल आर्ट फिल्म थी। इस फिल्म में उनके साथ करिश्मा कपूर नजर आई थी। 1998 में उन्होंने महेश भट्ट की बॉलीवुड ड्रामा जख्म में अभिनय किया और उन्हें फिल्म में उनकी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, अजय एक वर्सेटाइल एक्टर बनते गए। उन्होंने अपनी फीस बढ़ा दी, तब भी मेकर्स को कोई आपत्ति नहीं रही। वो उसके बावजूद भी अजय को फिल्में ऑफर करते रहे। इसके बाद शुरू हुआ केमियो रोल्स का दौर, जिसे हम गेस्ट अपीयरेंसेस भी कहते हैं। 90s के बाद की फिल्मों में ये दौर बहुत कम नजर आया, लेकिन आजकल ये सेम जॉनर की फिल्मों को मर्ज करने के लिए आम बात हो गई है, जिसकी शुरुआत रोहित शेट्टी ने अपनी कॉप यूनिवर्स से की। लेकिन फिर भी अजय की फीस कम नहीं हुई। उनका मानना है कि हम एक फिल्म के लिए पूरी मेहनत करते हैं, अब चाहे वो केमियो रोल हो या फिर पूरी फिल्म। बता दें कि रोहित शेट्टी ने अपने कॉप यूनिवर्स को सूर्यवंशी से जोड़ने के लिए सिंघम और सिम्बा का केमियो करवाया, जिससे ये चलन आने वाली फिल्मों जैसे पठान में सलमान का कैमियो, टाइगर 3 में शाहरुख का कैमियो, ट्रिपल आर में आलिया और अजय का भी कैमियो नजर आने वाला है। हाँ, तो हम बात अजय देवगन की कर रहे हैं, क्योंकि ट्रिपल आर में भी कैमियो करने वाले हैं अजय देवगन, जिसमें उन्होंने 35 लाख रुपए लिए हैं, जिस पर कई सवाल उठे थे कि इतने से काम के लिए इतनी फीस क्यों। तो बता दें कि उनकी फिल्म में फीस एक जैसी नहीं रहती है। अजय देवगन फिल्म के बजट को देखते हुए अपनी फीस कम ज्यादा करते रहते हैं। वैसे उनकी फीस 30 से 40 करोड़ रुपए के बीच रहती है, और जैसा कि हम सब जानते हैं कि ट्रिपल आर एक बड़े बजट की फिल्म है, तो उसके हिसाब से अजय की फीस वर्दी है। हालांकि फिल्म में उनका गेस्ट अपीयरेंस है, पर कैरेक्टर डेवलपमेंट और कहानी के हिसाब से अजय का रोल बहुत अहम है, और खुद अजय भी काफी वर्सेटाइल एक्टर है। उन्होंने ट्रिपल आर की शूटिंग 7 दिनों में की है, जिसके लिए उन्हें 35 करोड़ रुपए फीस दी गई है। बता दें, आलिया और अजय देवगन नॉर्थ इंडिया में ऑडियंस को लुभाने वाले सेलेब्स हैं। ट्रिपल आर को नॉर्थ तक पहुंचाने के लिए शायद ये मुनाफे का ही सौदा रहा। तो आपको क्या लगता है, क्या अजय की फीस उनके रोल को जस्टिफाई कर पाएगी? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और देखते रहिए हमारा चैनल पॉलीग्राड स्टूडियोज़।